नमस्कार दोस्तों, आज हम ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई की पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति श्रमिक कार्ड या ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। तो चलिए इस कार्ड का लाभ, पात्रता और ऑनलाइन अप्लाई की सभी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ई श्रम और रोजगार मंत्रालय ने साल 2021 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल पर प्रवासी कामगारों और घरेलू कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया। इस पोर्टल के मदद से राज्यों, संघ राज क्षेत्रों में काम कर रहे असंगठित कामगारों का एक डेटाबेस तैयार करना है। इसके तहत कोई भी घरेलू कामगारों या असंगठित क्षेत्र में कामगार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल 30 व्यापक व्यवसाय क्षेत्रों और लगभग 400 व्यवसायों के तहत रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करता है। ई श्रम कार्ड, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति श्रमिक कार्ड या ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके तहत असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को 60 वर्ष के बाद पेंशन, मृत्यु बीमा, अक्षमता स्थिति में वित्तीय सहायता जैसी लाभ मिल सकता है। इसके तहत लाभार्थियों को पूरे भारत में मान्य 20 अंकों का UAN नंबर प्राप्त होगा। ई श्रम कार्ड का लाभ, इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये पर तिमाही पेंशन का प्रावधान है। इसके तहत किसी श्रमिक को आंशिक विकलांगता की स्थिति में 2,00,000 रुपये का मृत्यु बीमा और 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यदि किसी लाभार्थी ई श्रम कार्ड वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की किसी भी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सहायक मोड के भी माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आप ई श्रम पोर्टल और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। वही असिस्टेंट मोड रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सेवा केंद्र पर विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यह दस्तावेज जरूरी है: आधार कार्ड से जुड़ी मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट। ई श्रम कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के स्टेप, ई श्रम पोर्टल सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज पर विजिट करें, आधार से जुड़ी मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड OTP बटन पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP दर्ज करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। पता, शैक्षणिक योग्यता जैसे सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज करें। इसके बाद कौशल का नाम, व्यवसाय की प्रकृति और कार्य का प्रकार चुनें। अब अपने बैंक का डिटेल सबमिट करें। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसमें दर्ज करें। अब आपके स्क्रीन पर ई श्रम कार्ड की डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएगी। अब आप अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।